भारतीय वायुसेना का रिमोट से संचालित पायलट रहित यूएवी विमान सोमवार को अपनी नियमित अभ्यास उड़ान मिशन के दौरान आई तकनीकी खामी के कारण दुर्घटना होकर जैसलमेर की रिहासी कोलानी के पास क्रैश होकर गिर गया, जिसे किसी भी प्रकार की बड़ी जनहानि नहीं हुई। वायुसेना के उच्च स्तरीय अधिकारियों सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना का एक अनमेंट एयर व्हीकल सर्चर विमान हमेशा की तरह अपनी नियमित अभ्यास की उड़ान पर था। जैसलमेर के वायुसेना के एयरफील्ड पर लैंड करना था, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी के कारण वह करीब 2 किलोमीटर पहले ही शहर की सागर मलगोपा कोलानी के पास सुनसान इलाके में क्रैश होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आसपास किसी प्रकार का मानवीय दखल न होने के कारण एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया तथा किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलने पर सेना और वायुसेना मौके पर पहुंचे तथा पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। बाद में वायुसेना के अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त विमान को अपने साथ ले गए। वायुसेना ने मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नथावत भी मौके पर पहुंचे और घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि भारतीय वायुसेना का एक अनमेंट एयर व्हीकल यूएवी अपने ट्रेनिंग मिशन पर था, लेकिन लौटने के दौरान उसमें तकनीकी खराबी के कारण वह जैसलमेर के वायुसेना स्थल में लैंडिंग से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त होकर एक सागर मलगोपा कोलानी के पास क्रैश हो गया। वे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे तथा वायुसेना अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। करीब 200 से 250 किलोमीटर वजनी रिमोट ऑपरेटिव पायलट विमान अपने मिशन से रामगढ़ की तरफ से लौट रहा था। वायुसेना ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है और किसी भी तरह से जान माल की हानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जैसलमेर में यूएवी विमान गिरने के मामले सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से यूएवी विमान क्रैश होने के बाद एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके को सीज कर दिया। वहीं उच्च अधिकारियों ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। जिला मुख्यालय पर 2 अप्रैल को बाइक रैली पर पथराव के बाद उपजा तनाव अभी शांत नहीं हो पा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से हालात काबू में करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कोई आशंका है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। आज कर्फ्यू की अवधि फिर से 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। वहीं इंटरनेट सेवाएं भी कल रात तक के लिए फिर से बंद की गई है। इसके अलावा पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कल प्रशासन ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए छूट दी थी, जिसके चलते आज बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षार्थी एक सहमे हुए माहौल में परीक्षा देने पहुंचे। कई स्थानों पर परीक्षार्थियों को पुलिस की रोका टोकी के चलते परेशान भी हुआ। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि परीक्षार्थी एक संस्मरण कर्फ्यू का अपने साथ में रखेंगे। वहीं पर पुलिस ने मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों को सीजेएम के समक्ष पेश किया, जिनको 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। एसपी का कहना है कि मामले में आधे दर्जन आरोपी और डिटेन किए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा शहर की अमन व्यवस्था को फिर से कायम करने के लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में दोनों समुदाय के करीब 100 लोगों की बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, एसपी शैलेंद्र इंदौलिया, करौली विधायक लाखन सिंह सहित अन्य लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने शपथ ली कि शहर की शांति व्यवस्था कायम करने के प्रयास किए जाएंगे। उधर भरतपुर रेंज आईजी जो करौली में प्रवास कर रहे हैं, प्रसन्न खमेसरा ने आज फिर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आईजी का कहना है कि नजर पूरी रखी जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष फंसाए नहीं जाएंगे। इसी क्रम में फर्स्ट इंडिया फिर से शहरवासियों से अपील करता है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और शांति बहाली के प्रयास किए जाएं। महंगाई का विरोध करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोटा के तलवंडी चौराहे पर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष श्याम सिंह जादौन की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने एक सांकेतिक पुतला बनाकर इसे केंद्र सरकार बताते हुए पहले तो सांकेतिक शव यात्रा निकाली और बाद में सिरेन से सभी प्रदर्शनकारियों ने अपना खून निकाल कर इसे एक बोतल में इकट्ठा किया और पुतले के मुंह पर खून लेपते हुए कहा कि केंद्र सरकार महंगाई बढ़ाकर अब तो आम जनता का खून चूसना बंद करे। इससे पहले प्रदेशव्यापी आह्वान पर आज कोटा के जिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। सर्किट हाउस से लेकर कलेक्ट्रेट तक जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी और कांग्रेस के नेता अमित धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेसों ने मार्च किया और इस दौरान मोदी सरकार की मुखालफत करते नारे लिखी तख्तियां हाथ में थामकर महंगाई के खिलाफ मोदी सरकार को जमकर घेरने का प्रयास किया। ये मार्च बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां विरोध प्रदर्शन के साथ ही कांग्रेसियों ने एक सभा का आयोजन करते हुए धरना भी लगाया और इस धरने में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए मोदी सरकार को जमकर कोसा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के तहत बीकानेर में भी प्रदर्शन हुए।
एनएसयूआई के कार्यकर्ता ज्यादा ही आक्रोशित महंगाई के खिलाफ नजर आए। ऊंट गाड़ी में रखकर बाइक को लाया गया और कलेक्ट्रेट में पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुरजोत संधु, युवा नेता बिश्नराम सियाग और एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सुंदर बैरड़ सहित कई युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस ने थोड़ा संयम का परिचय दिया। कलेक्ट्रेट में ही उन्होंने भी प्रदर्शन किया, बाइक्स को माला पहनाई गई, उनकी पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कांग्रेस के तीनों प्रदेश सचिव जो बीकानेर से आते हैं मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है भाजपा, ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है जो जातीयता या सांप्रदायिकता को लिए होते हैं। यशपाल गहलोत का कहना था कि जल्द ही केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब यूपीए सरकार थी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर नजर आती थी, लेकिन आजकल उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। दरअसल महंगाई की मार आम गरीब आदमी को सता रही है, इसलिए जरूरी है कि केंद्र सरकार इस पर सोचे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव के समय दाम कम कर दिए गए थे, लेकिन अब प्रतिदिन दामों में इजाफा हो रहा है।